आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर देश के शिव मंदिरों में आज सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। प्रयागराज में भी आज अंतिम स्नान के साथ ही भव्य कुंभ का समापन हो गया। अंतिम स्नान के साथ प्रयागराज में कुंभ मेला संपन्न हो गया। प्रयागराज में अंतिम स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। आज महाशिवरात्रि भी है, शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सोमवार को महाशिवरात्रि पड़ने पर खास योग माना जा रहा है बेहद शुभ। बेलपत्र दूध को शिवलिंग पर चढ़ाकर श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते रहे। आज प्रयागराज में चल रहे कुंभ का अंतिम गंगा स्नान भी है। संक्रांति पर शाही स्नान के साथ शुरू हुए कुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा। करीब डेढ़ महीने तक चले कुंभ में करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कुंभ में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रखा गया था। इस कुंभ में देश के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये महाशिवरात्रि का हम लोग सोचे, सब लोग हम लोग शिव का भक्त हैं, पूरे गुरु बहना हम लोग सोचे कि आज आखिरी नहाने अपने शिव का जो है स्नान कर ले, माता गंगा का पूजा पाठ करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही साफ सफाई भैया बहुत ही अच्छा मिला। जन सैलाब आ रहा है, करोड़ों की संख्या में स्नान कर रहे हैं महाशिवरात्रि के पौर पर। और यहाँ जो साफ सफाई की योगी जी ने और मोदी जी ने, जो की मतलब ऐसा हमने भविष्य कुंभ देखा ही नहीं। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। देश भर के शिवालयों में बम बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त रात से ही कतार में खड़े हो गए। इस मौके पर साधु संतों ने प्रभात फेरी भी निकाली। इनके मुताबिक सोमवार को शिवरात्रि का पर्व पड़ने को खास योग माना जा रहा है, जो कि शुभ है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए शिव भक्त उमड़े। महाकाल मंदिर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध, घी, शक्कर, दही, पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। नासिक में त्र्यंबकेश्वर में भी श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और पूजा अर्चना की। मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह 5 बजे मंदिर में खास मंत्रोच्चारण के साथ बाबा भोलेनाथ की आरती की गई। इस मौके पर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाए।